निम्नलिखित विवरण से चालू अनुपात एवं त्वरित अनुपात करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो की गणना कीजिए। सन्ड्री डेटर्स 3,50,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 20,000, कैश 1,25,000, मार्केटेबल सिक्योरिटीज 50,000, मशीनरी 24,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1,80,000, बिल्स रिसीवेबल 5,000, बिल्स पेबल 60,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,40,000, सन्ड्री डेटर्स 2,00,000, स्टॉक 2,40,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 50,000। यहाँ पर हमको दो चीजें ज्ञात करनी है, एक तो हमको करंट रेशियो ज्ञात करना है और उसके बाद हमको क्विक रेशियो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको फॉर्मूले पे फोकस करना होगा कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमको क्या क्या चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स हमको चाहिए। तो एक तो करंट रेशियो के लिए हमको दो चीज चाहिए, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, और क्विक रेशियो के लिए हमको दो चीजें चाहिए, क्विक एसेट्स और करंट लायबिलिटी। ओवरऑल हमको तीन पॉइंट यहाँ पर फाइंड आउट करना है, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी एंड क्विक एसेट्स। तो सबसे पहले हम करंट एसेट्स फाइंड आउट कर लें। यहाँ पर हम देख रहे हैं पूरे क्वेश्चन में बहुत सावधानी से देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट है जो करंट एसेट्स में इंक्लूड होते जाएंगे। तो यहाँ हमको दिख रहा है डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, स्टॉक और बिल्स रिसीवेबल। इतने जो पॉइंट है ये करंट एसेट्स में इंक्लूड होंगे। तो ये हो जाएगा सन्ड्री एसेट्स 3,50,000 प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस 20,000 प्लस कैश 1,25,000 प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज 50,000 प्लस स्टॉक 2,40,000 प्लस बिल्स रिसीवेबल 5,000। तो टोटल करंट एसेट्स हो जाएगी 7,90,000। अब बात करें हम करंट लायबिलिटी की, तो क्वेश्चन में हम देखते हैं कि बाकी कौन कौन से पॉइंट बचते हैं जो करंट लायबिलिटी में आएंगे। बिल्स पेबल है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। ये तीन आइटम जो है वो करंट लायबिलिटी हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा बिल्स पेबल 60,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,40,000 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 50,000। यानी कि टोटल करंट लायबिलिटी है 2,50,000। अब क्योंकि हमने करंट एसेट्स फाइंड आउट कर ली है, क्विक एसेट करंट लायबिलिटी हमने फाइंड आउट कर ली है, तो अब इसके बेस पे हम बहुत आसानी से क्विक एसेट्स कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर हमको ध्यान रखना है, क्योंकि करंट एसेट्स तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, दो चीजें इसमें से माइनस हो जाएंगी तो ये क्विक एसेट्स बन जाएगा। यानी स्टॉक इन्वेंट्रीज जिसको हम बोलते हैं वो, और प्रीपेड एक्सपेंसेस इसको माइनस करके हम क्विक एसेट्स कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हमने करंट एसेट्स फाइंड आउट कर लिया है 7,90,000, इसमें से हम माइनस कर देंगे स्टॉक 2,40,000 और प्रीपेड एक्सपेंसेस 20,000। तो ये टोटल क्विक एसेट्स हो जाएगा 5,30,000। अब हम करंट रेशियो बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी कैलकुलेट कर ली है। तो करंट रेशियो का हमारा फॉर्मूला है यहाँ पर करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, यानी 7,90,000 अपॉन 2,50,000, यानी 3.16:1। और क्विक रेशियो भी हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे यहाँ पर, क्योंकि क्विक रेशियो का फॉर्मूला है हमारा यहाँ पर क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटी। तो क्विक एसेट्स हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है 5,30,000 और क्विक लायबिलिटी क्वेश्चन में दी गई है 2,50,000। तो ये बहुत आसानी से हम यहाँ पर फॉर्मूला पुट करके इसको कैलकुलेट कर लेंगे। क्विक एसेट्स है 5,30,000 और करंट लायबिलिटी 2,50,000, तो ये हो जाएगा 2.12:1। ए लिमिटेड का निम्नलिखित तुलन पत्र स्थिति विवरण है, इसके आधार पर चालू अनुपात करंट रेशियो, त्वरित अनुपात क्विक रेशियो की गणना कीजिए। लायबिलिटीज, इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000, रिजर्व एंड सरप्लस 30,000, 12% डिबेंचर 60,000, क्रेडिटर्स 20,000, बिल्स पेबल 10,000, एसेट्स में बिल्डिंग 70,000, इन्वेस्टमेंट्स 30,000, स्टॉक 20,000, डेटर्स 30,000, कैश 10,000, बैंक 10,000, टोटल ऑफ बैलेंस शीट 1,70,000।
यहाँ पर एसेट्स और लाइबिलिटीज अलग अलग बैलेंस शीट में बनाकर दे दी गई है। करंट एंड क्विक रेशियो हमको कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख ले कि करंट रेशियो को के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो करंट रेशियो के कैलकुलेशन के लिए हमको चाहिए करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी, और क्विक रेशियो के कैलकुलेशन के लिए हमको चाहिए क्विक एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी। तो सबसे पहले हम करंट एसेट्स कैलकुलेट कर लें। तो हम एसेट साइड देखते हैं कि कौन कौन से करंट एसेट्स हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमको मिल रहा है स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड बैंक। इन चारों को हम जोड़ देंगे तो हमको करंट एसेट्स मिल जाएगा। बाकी जो दो चीजें दी गई है, बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट, ये करंट एसेट्स में शामिल नहीं होंगी। तो ये हो जाएगा करंट एसेट्स इक्वल टू स्टॉक 20,000 प्लस डेटर्स 30,000 प्लस कैश 10,000 प्लस बैंक 10,000, यानी टोटल ऑफ करंट एसेट्स 70,000। करंट लाइबिलिटी हम कैलकुलेट कर लें तो दो चीजें ही हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है करंट लाइबिलिटी में, एक तो क्रेडिटर है और दूसरा बिल्स पेबल। तो यहाँ पर हम दोनों को जोड़ दे तो करंट लाइबिलिटी हमको टोटल मिल जाएगी। तो करंट लाइबिलिटी इक्वल टू क्रेडिटर 20,000 प्लस बिल्स पेबल 10,000, यानी ये हो जाएगा 30,000। अब क्योंकि हमने करंट एसेट्स कैलकुलेट कर लिया है, स्टॉक क्वेश्चन में दिया गया है, तो इसके बेस पे हम बहुत आसानी से क्विक एसेट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा क्विक एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, यानी 70,000 करंट एसेट्स है और स्टॉक है 20,000। तो ये हो जाएगा 70,000 माइनस 20,000, यानी कि 50,000 क्विक एसेट्स। अब करंट रेशियो पहले हम कैलकुलेट कर लें, जिसका कि फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। तो यहाँ पर हमने करंट एसेट्स कैलकुलेट किया था 70,000 का और अपॉन करंट लाइबिलिटी 30,000। तो ये हो जाएगा 7/3, यानी कि 7:3। क्विक रेशियो हम कैलकुलेट कर लेंगे। क्विक रेशियो का हमारा फॉर्मूला है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। क्विक एसेट्स हमने यहाँ पर देखा 50,000 मिला था हमें, और अपॉन करंट लाइबिलिटी है 30,000 की, जो कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट की थी। इसको हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5/3, यानी कि 5:3। निम्नलिखित सूचनाओं से चालू अनुपात और तरल अनुपात, करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो कैलकुलेट कीजिए। लायबिलिटीज, शेयर कैपिटल 1,50,000, क्रेडिटर्स 30,000, डिबेंचर 60,000, बिल्स पेबल 26,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 14,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000। टोटल ऑफ लायबिलिटी 3 लाख। एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख, प्लांट 80,000, मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट 25,000, बिल्स रिसीवेबल 30,000, डेटर्स 40,000, स्टॉक 20,000, कैश इन हैंड 5,000, टोटल ऑफ एसेट्स 3 लाख। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमको करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो कैलकुलेट करना है। तो करंट रेशियो का हमारा फॉर्मूला हमने देखा कि करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी है। तो हमको कुल मिलाकर यहाँ पर दो चीजें कैलकुलेट करनी होंगी करंट रेशियो के लिए, एक तो करंट एसेट्स और दूसरा करंट लाइबिलिटी, और दूसरा हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड रेशियो के लिए हमको जरूरत पड़ेगी क्विक एसेट्स और क्विक लाइबिलिटी की। तो ये चार चीजें हमको चाहिए। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे करंट एसेट्स। तो देखते हैं एसेट साइड में से कौन कौन से मदें हैं जो करंट एसेट्स में आएंगी। तो एक तो हमको दिख रहा है यहाँ पर मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, स्टॉक और कैश इन हैंड। ये सारी चीजें जो है ये करंट एसेट्स में आएंगी, बाकी बिल्डिंग और प्लांट जो है ये तो फिक्स एसेट्स है। तो यहाँ पर हम करंट एसेट्स लिख लेंगे, करंट एसेट्स इक्वल टू मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट 25,000 प्लस बिल्स रिसीवेबल 30,000 प्लस डेटर्स 40,000 प्लस स्टॉक 20,000 प्लस कैश इन हैंड 5,000। तो ये टोटल हो जाएगा करंट एसेट्स 1,20,000। ऐसे हम करंट लायबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। तो करंट लायबिलिटी में यहाँ पर हम बैलेंस शीट में देख रहे हैं कि हमारे पास क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है और बैंक ओवरड्राफ्ट है। ये चार चीजें हैं हमारे पास टोटल करंट लायबिलिटी के लिए। तो हम करंट लायबिलिटी यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। क्रेडिटर 30,000 प्लस बिल्स पेबल 26,000 प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,40,000 प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000।
तो ये हमारा हो जाएगा करंट लायबिलिटी 90,000। क्विक एसेट्स की हमको जरूरत पड़ेगी क्विक रेशियो के लिए, तो क्विक एसेट्स हम बहुत आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हैं क्योंकि हमने करंट एसेट्स तो कैलकुलेट कर ही लिया है 1,20,000। अब इसमें से स्टॉक एंड प्रीपेड हम माइनस करते हैं, फिलहाल यहाँ पर हमारे पास स्टॉक है तो स्टॉक 20,000 हम माइनस कर देंगे, तो ये हमारा क्विक एसेट्स हो जाएगा 1,20,000 माइनस 20,000 यानी कि 1,00,000। अब क्योंकि हमने सारी चीजें यहाँ पर निकाल ली है, अब हमको करंट रेशियो कैलकुलेट करना है जिसका कि फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स है 1,20,000 और करंट लाइबिलिटी है 90,000, तो ये हो जाएगा करंट रेशियो इक्वल टू 1,20,000 अपॉन 90,000, 1.33:1। और ऐसे ही हम क्विक रेशियो कैलकुलेट कर लें, तो क्विक रेशियो का हमने फॉर्मूला देखा यहाँ पर क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, तो क्विक एसेट्स हमने कैलकुलेट किया यहाँ पर 1,00,000, करंट लायबिलिटी हमने देखा 90,000, तो ये हो जाएगा 1,00,000 अपॉन 90,000 यानी 1.11:1। 31 मार्च 2002 को निम्नलिखित ए लिमिटेड का तुलन पत्र है, लायबिलिटीज इक्विटी शेयर कैपिटल फुली पेड अप 1,92,000, प्रॉफिट एंड लॉस 48,000, 10% डिबेंचर 1,20,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,87,200, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 4,800, टोटल ऑफ लाइबिलिटीज 5,52,000, एसेट्स प्लांट एंड मशीनरी 3,60,000, स्टॉक 96,000, डेटर्स 1,00,000, डेटर्स 72,000, कैश एट बैंक 18,240, प्रिमिनरी एक्सपेंसेस 5,760। कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियोज, फर्स्ट करंट रेशियो, सेकंड क्विक रेशियो। इस प्रश्न में हमको दी गई बैलेंस शीट के आधार पर करंट रेशियो और क्विक रेशियो फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर जब हमको करंट रेशियो निकालना है तो वहां हमको फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, और जब हमको क्विक रेशियो निकालना होगा तो हमको जरूरत पड़ेगी क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो कुल मिलाकर हमको करंट एसेट्स चाहिए, करंट लायबिलिटी चाहिए, क्विक एसेट्स चाहिए, तीन चीजें हमको फाइंड आउट करनी है, उसके बाद ही हम करंट रेशियो और क्विक रेशियो निकाल सकेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम करंट एसेट्स कैलकुलेट कर लें। तो यहाँ पर हम बैलेंस शीट में एसेट साइड में देख रहे हैं कि करंट एसेट्स में हमारे पास कौन कौन सी मदें दी गई हैं। फर्स्ट जो प्लांट एंड मशीनरी है वो तो फिक्स एसेट्स है तो उसको शामिल करेंगे नहीं। यहाँ पे है स्टॉक 96,000 का, डेटर्स है 72,000 का, कैश एट बैंक है 18,240 और प्रिमिनरी एक्सपेंसेस है 5,760। इन चारों मदों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे पास 1,92,000 की करंट एसेट्स आ जाएगी। दूसरा करंट लायबिलिटी हम कैलकुलेट कर लें, तो करंट लायबिलिटी के लिए यहाँ पर हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में देख रहे हैं कि हमारे पास करंट लायबिलिटी में है सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,87,200, और उसके बाद हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एक पॉइंट है जो कि करंट लायबिलिटी का पॉइंट है 4,800 यानी 1,92,000 जो है वो हमारी करंट लायबिलिटी हो गई। अब हमको यहाँ पर क्विक एसेट्स की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि क्विक रेशियो भी हमको यहाँ कैलकुलेट करना है। तो हमने वीडियो में देखा था कि क्विक एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए हम जो करंट एसेट्स होता है उसमें से स्टॉक और प्रिमिनरी एक्सपेंस, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम स्टॉक और प्रिमिनरी एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे। तो करंट एसेट्स हमने ज्ञात किया था 1,92,000, इसमें से हम स्टॉक 96,000 और प्रिमिनरी एक्सपेंसेस 5,760 अगर माइनस कर देते हैं तो 90,240 हमारा क्विक एसेट्स हो जाता है। अब हमको, हमने करंट लायबिलिटी फाइंड आउट कर ली, करंट एसेट्स फाइंड आउट कर लिया, क्विक एसेट्स फाइंड आउट कर लिया, अब हम फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे और बहुत आसानी से करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स हमने ज्ञात किया है 1,92,000 का और करंट लायबिलिटी भी हमारी आई है 1,92,000 की, तो 1,92,000 अपॉन 1,92,000 यानी 1:1 हमारा करंट रेशियो हो जाएगा। क्विक रेशियो हमको ज्ञात करना है, यहाँ पर क्विक रेशियो के लिए फॉर्मूला है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो क्विक एसेट्स हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया है 90,240
और करंट लायबिलिटी हमने ज्ञात की थी 1,92,000। तो ये हो जाएगा क्विक रेशियो इक्वल टू 90,240 अपॉन 1,92,000 यानी 0.47:1। ये हमारी हमारा क्विक रेशियो हो जाएगा। कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर एंड गिवन योर कमेंट ऑन देयर। फर्स्ट करंट रेशियो, सेकंड क्विक रेशियो। बैलेंस शीट ऑफ रिजल्ट एज ऑन 31 मार्च 2002। लायबिलिटीज, इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख, जनरल रिजर्व 1,35,000, करंट लायबिलिटीज अदर देन ओवरड्राफ्ट 1,95,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 90,000, लैंड एंड बिल्डिंग 2,25,000, मशीनरी 1,20,000, स्टॉक 2,23,500, सन्डरी डेटर्स 1,06,500, बैंक बैलेंस 30,000, कैश इन हैंड 15,000। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो बैलेंस शीट हमको दी गई है उसके अकॉर्डिंग और हमको ज्ञात क्या करना है, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। तो करंट रेशियो के लिए हमने जैसे कि देखा, हमको दो चीजें चाहिए होती है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, और क्विक रेशियो के लिए हमको चाहिए होता है क्विक एसेट्स और करंट लायबिलिटी। ओवरऑल हमको तीन चीजें ज्ञात करनी है, एक तो करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी और तीसरा क्विक एसेट्स। तो सबसे पहले हम करंट एसेट्स फाइंड आउट कर लें। यहाँ पर बैलेंस शीट में हम एसेट साइड में देख रहे हैं हमारे पास क्या क्या है करंट एसेट्स। तो सबसे पहले दिया गया लैंड एंड बिल्डिंग, तो ये तो फिक्स एसेट्स है, मशीनरी फिक्स एसेट्स है। अब हम आ जाते हैं स्टॉक पे, तो स्टॉक हमारे लिए करंट एसेट्स है, डेटर हमारे लिए करंट एसेट्स है, बैंक बैलेंस और कैश इन हैंड ये हमारा करंट एसेट्स है। तो करंट एसेट्स में हम सबको जोड़ देते हैं, करंट एसेट्स इक्वल टू स्टॉक 2,23,500 प्लस सन्डरी डेटर्स 1,06,500 प्लस बैंक बैलेंस 30,000 प्लस कैश इन हैंड 15,000 यानी करंट एसेट्स हमारा हो जाएगा 3,75,000। करंट लायबिलिटी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, करंट लायबिलिटी इक्वल टू जो हमारी अदर देन ओवरड्राफ्ट वाली करंट लायबिलिटी है जिसको हमने यहाँ पे देखा था 1,95,000 है, और उसमें हम प्लस कर देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट जो कि 90,000 था। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो करंट लायबिलिटी हमको मिल जाती है 1,95,000 प्लस 90,000 इक्वल टू 2,85,000। हमने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी फाइंड आउट कर ली। अब हम क्विक एसेट्स यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो हमने देखा फॉर्मूला क्या होता है क्विक एसेट्स का, कि अगर हम करंट एसेट्स में स्टॉक, प्रिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रोविजन स्टॉक या प्रिमिनरी एक्सपेंसेस इस तरह की मध्य अगर जब हम घटा देते हैं तो हम क्विक एसेट्स फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्विक एसेट्स निकालेंगे, क्विक एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक यानी 3,75,000 माइनस 2,23,500, क्योंकि करंट एसेट्स हमने कैलकुलेट किया था 3,37,000 और स्टॉक यहाँ पर हम क्वेश्चन में देख रहे हैं 2,23,500 है, इसको हम माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा 1,51,500। तो अब करंट रेशियो हम ज्ञात कर लेंगे। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स है 3,75,000 और करंट लायबिलिटी है 2,85,000, तो ये हो जाएगा 1.3:1। अब ऐसे ही क्विक रेशियो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है, क्विक रेशियो इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो क्विक एसेट्स हमने फाइंड आउट किया था 1,51,500 और डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी है 2,85,000। तो क्विक रेशियो हमारा आ जाएगा 0.53:1। चालू अनुपात 2.5 है तथा कार्यशील पूंजी 60,000 रुपए है। चालू परिसंपत्तियों एवं चालू देयताओं की राशि की गणना कीजिए। करंट रेशियो इज 2.5 एंड वर्किंग कैपिटल इज 60,000। कैलकुलेट करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। यहाँ पर हमको केवल करंट रेशियो ही कैलकुलेट करना है। तो हमने देखा कि करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमको एक तो करंट रेशियो जो हम अभी तक कैलकुलेट करते आ रहे थे उसको इसने कैलकुलेट करके दे दिया है 2.5, और हमारे पास ना तो करंट एसेट्स है यहाँ पर करंट और ना ही करंट लायबिलिटी है। तो कुछ ना कुछ तो हमको यहाँ पर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि करंट रेशियो जो है वो है 2.5, तो हम इसको फॉर्मूले बेस्ड हम इसको जमा लेंगे। 2.5 इक्वल टू करंट एसेट्स यानी कि सी ए अपॉन करंट लायबिलिटी यानी कि सी एल, और नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 करंट लायबिलिटी यानी कि सी एल इक्वल टू सी ए यानी कि करंट एसेट्स, और फिर ये हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट में सी ए जब हम पक्षांतर करके लाएंगे
बाई ओर, तो ये हो जाएगा सी ए माइनस 2.5 सी एल इक्वल टू जीरो। यानी एक चीज हमको यहाँ पर हमने निकाली है कि करंट एसेट्स माइनस, यानी कि एक हमने समीकरण की तरह इसको लिख लिया है, और क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स यानी कि सी ए माइनस सी एल इक्वल टू 60,000, ये हमको ज्ञात है। अब यहाँ पर एक इक्वेशन अगर हम बना ले इसके लिए, तो ये हो जाएगा सी ए माइनस 2.5 सी एल इक्वल टू जीरो, ये हमने पहले ज्ञात किया था, और उसके बाद सी ए माइनस 1 इंटू सी एल इक्वल टू 60,000। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लास्ट जो सी ए है वो प्लस में है, तो ये माइनस साइन आएगा, लास्ट जो माइनस 1 और सी एल है तो माइनस है तो वो प्लस साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर जो सी ए है एक के नीचे एक वो तो कट जाएगा, लेकिन माइनस 2.5 और प्लस 1 जो है ये कैलकुलेट होके हो जाएगा 2.5 माइनस 1 यानी कि माइनस 1.5, क्योंकि माइनस वाला जो नंबर है 2.5 वो बड़ा है 1 से, तो ये हो जाएगा माइनस 1.5 सी एल इक्वल टू 60,000, और ये माइनस में आ जाएगा 60,000 क्योंकि इसके पहले हम देख रहे हैं कि वो प्लस में था, चेंज किया हम, ये तो माइनस में आ गया। और अब जब हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा सी एल इक्वल टू 60,000 अपॉन 1.5, या तो हम दोनों के माइनस को एक स्टेप में लिख के फिर कट करें, या फिर हम डायरेक्ट हटाकर माइनस 60,000 अपॉन 1.5 करें। और फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये सी एल यानी कि करंट लायबिलिटी हो जाएगा 40,000। अब करंट लायबिलिटी क्योंकि हमने ज्ञात कर ली है कि 40,000 है, तो करंट एसेट्स क्या होगा, तो हमने यहाँ पर देखा था कि जो करंट एसेट्स है वो करंट लायबिलिटी इंटू 2.5 है, तो करंट एसेट्स इक्वल टू हो जाएगा 2.5 इंटू 40,000, यानी कि करंट एसेट्स हम ज्ञात कर लेंगे 1 लाख। करंट रेशियो इज 3.5, वर्किंग कैपिटल 9 लाख, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। इस क्वेश्चन में क्योंकि हमको करंट रेशियो दे दिया गया है और वर्किंग कैपिटल दिया गया है, और हमको यहाँ पर चालू संपत्ति और चालू दायित्व निकालना है, तो लगभग इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ अलग मेथड्स भी हम इसमें लगा सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट रेशियो क्योंकि 3.5 है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, या फिर 3.5 इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, या फिर हम इसका नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 3.5 इंटू करंट लायबिलिटी इक्वल टू करंट एसेट्स, यानी कि करंट एसेट्स जो है वो करंट लायबिलिटी का 3.5 गुना है। वर्किंग कैपिटल हमने देखा कि वर्किंग कैपिटल है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, और क्योंकि वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में निकाल कर दे दिया गया है कि वो 90,000 है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सी ए माइनस सी एल इक्वल टू 90,000। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि करंट एसेट्स जो है उसके नीचे हम लिख सकते हैं 3.5 करंट लायबिलिटी, क्योंकि हमने ऐसा ज्ञात किया है पहले, करंट एसेट्स के जस्ट नीचे हम लिखेंगे 3.5 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल टू 90,000, क्योंकि जो करंट एसेट्स है वो हमने देखा कि करंट लायबिलिटी इंटू 3.5 है। तो जब 3.5 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी, यानी हम देखते हैं कि इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ये हो जाएगा 2.5 करंट लायबिलिटी। तो ये हो जाएगा 2.5 करंट लायबिलिटी इक्वल टू 90,000, और फिर जब हम पक्षांतर करेंगे इसका मल्टीप्लाई के साथ है ये 2.5, तो ये हो जाएगा करंट लायबिलिटी इक्वल टू 90,000 अपॉन 2.5 इक्वल टू 36,000, या हम इसको लिख सकते हैं करंट एसेट्स इक्वल टू 3.5 करंट लायबिलिटी, 3.5 इंटू करंट लायबिलिटी 36,000 है, तो 3.5 इंटू 36,000 यानी 1,26,000। 31 मार्च 2006 पर निम्न तुलन पत्र टाइल मशीन लिमिटेड का है। लायबिलिटीज इक्विटी शेयर कैपिटल 24,000, 8% डिबेंचर 9,000, प्रॉफिट एंड लॉस 6,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 6,000, क्रेडिटर्स 23,400, प्रोविजन फॉर टैक्स 300, टोटल ऑफ लायबिलिटी 69,000, एसेट्स बिल्डिंग 45,000, स्टॉक 12,000,
debtors 9,000, cash in hand 2,280, prepaid expenses 720. यहाँ हमको चालू अनुपात यानी कि करंट रेशियो और तरल अनुपात यानी कि लिक्विड रेशियो कैलकुलेट करना है, क्योंकि करंट रेशियो के लिए हमको दो चीजें चाहिए होती हैं, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, और लिक्विड रेशियो के लिए हमको चाहिए लिक्विड एसेट्स और करंट लायबिलिटी। तो कुल मिलाकर हमको पहले तीन चीजें यहाँ पर ज्ञात कर लेनी है, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी एंड लिक्विड एसेट्स। तो यहाँ फर्स्ट हम करंट एसेट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। बैलेंस शीट में हम देख रहे हैं कि कौन कौन सी करंट एसेट्स है हमारे पास। सबसे पहले बिल्डिंग दी गई, तो बिल्डिंग तो फिक्स एसेट्स है। उसके बाद है स्टॉक जो कि करंट एसेट्स है, डेटर्स हमारे लिए करंट एसेट्स है, कैश इन हैंड करंट एसेट्स है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है वो करंट एसेट्स है। तो करंट एसेट्स में हम जोड़ देंगे सबसे पहले स्टॉक 12,000 प्लस डेटर्स 9,000 प्लस कैश इन हैंड 2,280 प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस 720। तो यहाँ पर करंट एसेट्स हमको ज्ञात हो जाएगा 24,000। ऐसे ही हम करंट लायबिलिटी कैलकुलेट कर लें, तो यहाँ हम देख रहे हैं करंट लायबिलिटी कौन कौन सी है हमारे पास। बैंक ओवरड्राफ्ट है 6,000 का। उसके बाद क्रेडिटर्स है हमारे पास 23,400 के। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है हमारे पास 600 का। टोटल करंट लायबिलिटी हो जाती है हमारी 30,000। अब क्योंकि हमको करंट एसेट्स भी मिल गया है, करंट लायबिलिटी भी मिल गई है, तो हम करंट रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, यानी कि करंट रेशियो इक्वल टू 24,000 अपॉन 30,000, यानी ये हो जाएगा 0.8:1। अब लिक्विड एसेट्स हमको फाइंड आउट करना है, क्योंकि लिक्विड रेशियो हमको कैलकुलेट करना है यहाँ पर। तो लिक्विड एसेट्स हम देखते हैं कि करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को अगर हम हटा दें तो बैलेंस जो बचता है वो लिक्विड एसेट्स हो जाता है। तो करंट एसेट्स यहाँ पर हम देख रहे हैं 24,000 हमने ज्ञात किया था, इसमें स्टॉक है 12,000 का और प्रीपेड एक्सपेंसेस है 720। दोनों को हम हटा दें तो लिक्विड एसेट्स हो जाएगी 11,280। तो ये लिक्विड रेशियो हो जाएगा 11,280 अपॉन 30,000, यानी लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, और ये हो जाएगा 0.376 अपॉन 1, या फिर हम कह सकते हैं कि 0.376:1। शाइन लिमिटेड का चालू अनुपात 4.5:1 एवं तरल अनुपात 3:1 है। यदि स्टॉक 36,000 है तो चालू दायित्व और चालू परिसंपत्तियां परिकलित कीजिए। यहाँ पर हमको दो चीजें दी गई है, एक तो करेंट रेशियो दिया गया है 4.5:1 और एक लिक्विड रेशियो दिया गया है 3:1, और स्टॉक दिया गया है 36,000। इन तीनों पॉइंट के बेस पे हमको कैलकुलेट करना है करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स। एक तो अभी तक हम इनको ज्ञात करते थे, करंट रेशियो को और लिक्विड रेशियो को, लेकिन अब ये चीजें हमको यहाँ पर निकाल के दे दी गई हैं, और इनके आधार पर हमको करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करना है, अपोजिट डायरेक्शन में चलना है हमको। तो क्योंकि हमने फॉर्मूला देखा, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो क्योंकि करंट रेशियो है 4.5:1, तो करंट रेशियो की जगह हम लिख सकते हैं 4.5:1 इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं तो ये हो जाता है 4.5 करंट लायबिलिटी इक्वल टू करंट एसेट्स। और क्योंकि हम यहाँ पर लिक्विड रेशियो भी हमको यहाँ पर निकाल के दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिक्विड रेशियो इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, जो कि लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला है। लिक्विड रेशियो की जगह हम लिख सकते हैं 3:1, यानी कि 3:1 इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम कर देते हैं तो ये हो जाता है 3 करंट लायबिलिटी इक्वल टू लिक्विड एसेट्स। और उसके बाद हम जब लिक्विड एसेट्स फाइंड आउट करना चाहें तो हमको लिखना होगा यहाँ लिक्विड एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, या फिर प्रीमियम माइनस स्टॉक। तो स्टॉक हम इसमें माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा करंट एसेट्स माइनस 36,000, यानी कि एक इक्वेशन जैसा ये हो जाएगा लिक्विड एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस 36,000। और नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखिए तो पहले हमने देखा था कि करंट लायबिलिटी 4.5 करंट लायबिलिटी दिखी थी हमको, और अब हम देख रहे हैं कि 3 करंट लायबिलिटीज है, यानी ओवरऑल इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं तो ये हो जाएगी 1.5 करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1.5 करंट लायबिलिटी इक्वल टू 36,000,
और क्योंकि यहाँ पर जो करंट एसेट्स है वो है करंट एसेट्स इक्वल टू 4.5 करंट लाइबिलिटीज, तो इसके बेस पे हमने कैलकुलेशन की और 1.5 करंट लाइबिलिटी याद की, तो ये हो जाएगा 1.5 करंट लाइबिलिटीज इक्वल टू 36,000। तो ये करंट लाइबिलिटी हो जाएगा 36,000 अपॉन 1.5, यानी कि करंट लाइबिलिटी हो जाएगा 24,000। अब यहाँ पर हमको क्योंकि मालूम है कि जो हमारा करंट एसेट्स है वो करंट लाइबिलिटी का 4.5 गुना है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं करंट एसेट्स इक्वल टू 4.5 इंटू 24,000, यानी कि 1,08,000 भी लिख सकते हैं। यदि चालू अनुपात 2:1 हो तथा चालू देयताएं 30,000 हो तो चालू परिसंपत्तियों की गणना कीजिए। दूसरा, यदि चालू देयताओं की गणना कीजिए यदि चालू परिसंपत्तियां 6,30,000 हो तथा चालू अनुपात 2.5:1 हो। तीसरा, यदि चालू देयताएं 60,000 रुपए हो, चालू अनुपात 2.2:1 हो तथा त्वरित अनुपात 1.2:1 हो तो चालू परिसंपत्तियां त्वरित परिसंपत्तियों तथा स्टॉक की गणना कीजिए। बी, निम्न सूचनाओं के आधार पर ज्ञात कीजिए। पहला, चालू अनुपात। दूसरा, तरलता अनुपात लेनदार 1,60,000, देय बिल 40,000, अदत्त व्यय 20,000, रोकड़ 1,00,000, देनदार 2,00,000, बैंक में रोकड़ 50,000, रहतिया 90,000, पूर्व दत्त व्यय 30,000, प्राप्य बिल 50,000। यहाँ पर अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग पॉइंट में हमको अलग अलग कैलकुलेशंस करनी है। जैसे कि सबसे पहले ए जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि जो हमको निकालना है चालू परिसंपत्तियों को यानी कि करंट एसेट्स को, दिया क्या गया है हमको यहाँ पर करंट रेशियो दिया गया है, तो करंट रेशियो भी दिया गया है और हमको यहाँ पर करंट लायबिलिटी भी दी गई है। तो अगर हम करंट रेशियो के बेस पे हम चालू परिसंपत्ति यानी करंट एसेट्स को फाइंड आउट करना चाहें तो फॉर्मूला हम करंट रेशियो का ही लगाएंगे यहाँ पर, यानी यहाँ हमारा फॉर्मूला हो जाएगा करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, यानी ये हो जाए क्योंकि करंट रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2:1, यानी हम इसको लिख सकते हैं करंट रेशियो की जगह पर 2:1 इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी की जगह हम यहाँ पर लिख देंगे 30,000। और जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा CA यानी कि करंट एसेट्स इक्वल टू 30,000 इंटू 2 यानी करंट एसेट्स इक्वल टू 60,000। तो बहुत आसानी से हम यहाँ पर चालू अनुपात और चालू देयताएं यानी कि करंट रेशियो और करंट लायबिलिटी के बेस पे करंट एसेट्स हम ज्ञात कर सकते हैं 60,000। सेकेंड कंडीशन में हमको करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करना है जबकि करंट एसेट्स दिया गया है और करंट रेशियो दिया गया है, तो फॉर्मूला हम वही लगाएंगे करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, यानी करंट रेशियो की जगह हम लिख सकते हैं 2.5:1 इक्वल टू करंट एसेट्स की जगह हम लिखेंगे 6,30,000 और अपॉन करंट लायबिलिटी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम यहाँ पर तो ये हो जाएगा 2.5 CL इक्वल टू 6,30,000 और नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा CL इक्वल टू 6,30,000 अपॉन 2.5। तो यहाँ पर इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारी करंट लायबिलिटी हो जाएगी 2,52,000। थर्ड कंडीशन में यहाँ हम देख रहे हैं कि करंट रेशियो दिया गया है, करंट लायबिलिटी दी गई है और फिर इसके बेस पे हमको करंट एसेट्स फाइंड आउट करना है, तो करंट रेशियो क्योंकि 2.2:1 दिया गया है तो करंट रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, यानी करंट रेशियो की जगह पर हम 2.2:1 लिखेंगे इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी 60,000 है तो उसकी जगह पर हम 60,000 ही लिखेंगे। और अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा CA यानी कि करंट एसेट्स इक्वल टू 60,000 इंटू 2.2 यानी कि करंट एसेट्स इक्वल टू 1,32,000। साथ में हमको यहाँ पर क्विक रेशियो से रिलेटेड कुछ पॉइंट दिए गए हैं और इसके बेस पर हमको यहाँ पर स्टॉक कैलकुलेट करना है, स्टॉक की गणना कीजिए कहा गया है। तो यहाँ पर क्योंकि क्विक रेशियो का फॉर्मूला है हमारा क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, तो ये हो जाएगा क्विक रेशियो इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, यानी कि 1.2:1 हम क्विक रेशियो की जगह लिखेंगे।
और क्विक एसेट्स फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर 1,32,000 जो अमाउंट यहाँ पर दी गई है उसमें से हम स्टॉक को अगर माइनस कर देते हैं, यानी कि करंट एसेट्स जो हमने कैलकुलेट किया है उसमें से अगर हम स्टॉक को माइनस कर दे तो हमको क्विक एसेट्स मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 1,32,000 माइनस स्टॉक अपॉन करेंट लाइबिलिटी यानी कि अपॉन 60,000। और अब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें तो ये हो जाएगा 1,32,000 माइनस स्टॉक इक्वल टू 60,000 इंटू 1.2। और नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा स्टॉक इक्वल टू 1,32,000 माइनस 72,000। और स्टॉक हम कैलकुलेट कर लेंगे यहां पर 60,000। नेक्स्ट बी पॉइंट जो है वहां पर कुछ सूचनाएं दी गई हैं और उसके आधार पर हमको करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो हमको फाइंड आउट करना है। तो हमने देखा कि करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो के लिए हमको करंट एसेट्स चाहिए, करंट लायबिलिटी चाहिए और साथ में हमको लिक्विड एसेट्स भी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम करंट एसेट्स कैलकुलेट कर लें। देखिए क्या क्या पॉइंट इसमें दिए गए हैं जो करंट एसेट्स की कैलकुलेशन में आ जाएंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कैश, डेटर्स, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड स्टॉक। कैश, तो ये सारी चीजें हमारे चालू संपत्ति यानी कि करंट एसेट्स के कैलकुलेशन में ऐड हो जाएंगी, यानी कि 1 लाख प्लस डेटर, यानी कि कैश 1 लाख प्लस डेटर 2 लाख प्लस कैश एट बैंक 50,000 प्लस बिल्स रिसीवेबल 50,000 प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस 30,000 प्लस स्टॉक 90,000, यानी कि 5,20,000 ये हमारा करंट एसेट्स यानी चालू संपत्तियां हमारी हो जाएंगी 5,20,000 की। और त्वरित संपत्ति यानी कि क्विक एसेट्स हमको इसमें से निकालना है। तो हम ये जो टोटल हमने करंट एसेट्स यानी कि चालू परिसंपत्तियां कैलकुलेट की है तो इनमें सीधा सीधा सा हम रहतिया को माइनस कर देंगे और अगर पूर्व दत्त व्यय है तो उसको माइनस कर देंगे। तो 5,20,000 में हम 90,000 और 30,000 माइनस कर देंगे तो ये हमारी जो क्विक एसेट्स है वो हो जाएगी 4 लाख। हमने क्विक एसेट्स भी कैलकुलेट कर ली, करंट एसेट्स यानी चालू संपत्तियां भी कैलकुलेट कर ली, अब हम चालू दायित्व कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कौन कौन से पॉइंट करंट लायबिलिटी यानी चालू दायित्व के अंतर्गत आ जाते हैं। क्रेडिटर्स यानी कि लेनदार है 1,60,000 का, ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद देय बिल है, बिल्स पेबल 40,000, ये प्लस हो जाएगा। और फिर अदत्त व्यय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 20,000 के, ये प्लस हो जाएंगे, यानी टोटल 2,20,000 हमारा करंट लायबिलिटी हो जाएगा। अब हम ये जो हमने ज्ञात, इसके आधार पर हम बहुत आसानी से करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो करंट रेशियो का यानी चालू अनुपात का फॉर्मूला है हमारा चालू संपत्तियां बटे चालू दायित्व। तो चालू संपत्तियां हमने कैलकुलेट की थी 5,20,000 और चालू दायित्व हमने ज्ञात किया था 2,20,000। तो ये हो जाएगा हमारा 2.36/1, या फिर और हम इसको राउंड ऑफ अगर हम करना चाहे तो हम इसको ले सकते हैं 2.4/1, और अनुपात में हम इसको व्यक्त करना चाहे तो हम लिख सकते हैं 2.4:1। सेकंड, हम इसमें बहुत आसानी से लिक्विड एसेट्स यानी कि त्वरित अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। तो ये त्वरित अनुपात हो जाता है त्वरित संपत्ति बटे चालू दायित्व। त्वरित संपत्ति यानी कि लिक्विड एसेट्स हमने कैलकुलेट किया था 4 लाख और चालू दायित्व हमने कैलकुलेट किया था करंट लायबिलिटी 2,20,000। तो ये हो जाता है 1.8/1, या फिर हम लिख सकते हैं इसको 1.8:1।